सो हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर विशाल जौहरी और आज अपन पढ़ने वाले हैं अपने ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म के बारे में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यूनिवर्सिटी में इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है और एक केस स्टडी के फॉर्म में भी पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपने दिमाग में आता है कि सर ये ग्लाइकोजन होता है क्या है और मेनली अपन इसका मेटाबॉलिज्म करते क्यों है। तो देखो बच्चों, एक्चुअली में होता क्या है मैं तुम्हें समझाऊं तो क्या होता है, आपको पता है अपनी पूरी बॉडी सेल से बनी है और सेल को मैं कितनी बार बता चुका हूँ अल्टीमेटली उसको चाहिए एनर्जी, उसको चाहिए एटीपी। तो अपनी बॉडी क्या करती है, ग्लूकोज के जरिए अपनी बॉडी बनाती है एटीपी ताकि नॉर्मल सेल अपना फंक्शन कर पाए। बट क्या होता है ना, जब अपनी बॉडी के अंदर एक्सेस अमाउंट में ग्लूकोज है, मतलब क्या होता है ना, बॉडी में बहुत ज्यादा ग्लूकोज है, लाइफ अपनी चल रही है बिल्कुल मजे में चल रही, खा रहे हैं पी रहे हैं, जूस पीवानू मजे लेवानू लाइफ चल रही है, उस कंडीशन में अपनी क्या बॉडी सोचती है कि क्यों ना अपन इस ग्लूकोज को स्टोर करके रख लें ताकि बाद में जब इस बंदे की बीमारी कंडीशन आए तब इस्तेमाल कर लें। क्योंकि उसको पता अभी तो खूब मजा कर रहा, खा रहा है पी रहा है अपने पिताजी के पैसों पे, पर जिस दिन पिताजी ने धक्के मार के निकाल दिया कुछ नहीं कर पाएगा, भिखमरी कंडीशन आ जाएगी। उस कंडीशन में फिर इसका जो अपन ग्लूकोज को स्टोर करेंगे वही ग्लूकोज इसको जो है मदद कर पाएगा। सो मतलब मैं ना थोड़ा फनी वे में बोल रहा हूँ ताकि तुम्हें चीजें याद रहे। तो अपन क्या बोलता है, तो अपनी बॉडी क्या करती है, ग्लूकोज को स्टोर करके रख लेती है बाद के लिए जब बाद में इसको जरूरत पड़े। सो अपनी बॉडी ग्लूकोज को किस फॉर्म में स्टोर करती है, अपनी बॉडी ग्लूकोज को जो है ना ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करती है। तो यहाँ पे एक्चुअली में लिखा भी हुआ है मेरे नोट्स में, मेनली एनिमल्स के अंदर ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है और प्लांट में यही ग्लूकोज स्टार्च के फॉर्म में जो है स्टोर होता है। तो इसलिए अपन को उसका मेटाबॉलिज्म पढ़ना बहुत जरूरी है। देन फिर बात आती है सर ये स्टोर होता कहाँ पे, तो मेनली याद रखना है दो जगह स्टोर होता है, एक लिवर में और एक मसल में। तो लिवर में करीबन 6 से 8% स्टोर होता है और मसल में करीबन 1 से 2% स्टोर ये होता है। बट अपनी बॉडी के अंदर क्या होता है ना, मसल मास ज्यादा है एज कम्पेयर टू लिवर, तो लिवर छोटा सा है और अपनी बॉडी के अंदर मसल बहुत ज्यादा होती है क्वांटिटी के लेवल में। सो अपनी बॉडी के अंदर क्या होता है ना, 3 times ज्यादा ग्लाइकोजन स्टोर होता है मसल में एज कंपेयर अपन करें लिवर में, ठीक है। देन फिर मैंने आपको बेसिक बता दिया, देन फिर अपन मेन टॉपिक पर आते हैं कि सर ग्लाइकोजन कैसे बनता है। सबसे पहले अपन को क्या स्टोर करवाना है तो बनाना पड़ेगा ना, तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन कैसे बनता है और फिर जब अपनी बॉडी को जरूरत होती है उस ग्लाइकोजन की ताकि उससे वापस वो एटीपी बना पाए, तो किस तरीके से अपन ग्लाइकोजन से वापस ग्लूकोज बनाते हैं, ये दोनों चीजें मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब होता है जब अपन ग्लूकोज से अपन ग्लाइकोजन बना रहे हैं, जेनेसिस का मतलब ही होता है बनना, शब्दों को समझो रटो मत। और ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लाइसिस का मतलब होता है टूटना। जब अपन ग्लाइकोजन से वापस अपन ग्लूकोज बनाएंगे तो उसको अपन बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। देन ये मैंने आपको बेसिक बता दिया, अब मैं आपको बताता हूं पूरा किस तरीके से अपना जो है ग्लाइकोजन बनता है। तो उसके लिए ना तुम्हें मेरी ये वाली टेबल पूरी अच्छे से याद होनी चाहिए, पूरा फ्लो चार्ट। अब देखो इसको समझाने के लिए ना मैं तुम्हें स्टोरी के फॉर्म में समझाऊंगा क्योंकि स्टोरी बहुत याद रहती है। तो मान लो किसी बंदे से तुम्हें काम करवाना है तो तुम पहले उसे एक्टिवेट करोगे, जाहिर सी बात है तुम्हें किसी से कुछ भी काम करवाना है तुम उसे एक्टिवेट करोगे, उसे तुम मोटिवेशन दोगे कि मेरा भाई खड़ा हो और कर दे ये पूरा मैदान तू फतेह, इस तरीके से तुम उसे मोटिवेशन दोगे तो एक्टिवेट होगा। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि ग्लूकोज को सबसे पहले अपन को करना पड़ता है एक्टिवेट। किस फॉर्म में एक्टिवेट करना पड़ता है, अपन को उसको यूडीपी ग्लूकोज में एक्टिवेट करना पड़ता है। तो सबसे पहले अपन इसमें करवाते हैं एक्टिवेशन। तो ग्लाइकोजन बनने की पहली स्टेप होती है एक्टिवेशन। एक्टिवेशन के बाद अपन करवाएंगे इनिशिएशन, मतलब जाहिर सी बात है ना अगर अपन ने किसी भी बंदे को एक्टिवेट कर दिया तो उसके बाद अपन को बताना पड़ेगा ना भाई तू ये काम कर, इनिशिएट करना पड़ेगा। तो पहले अपन करवाएंगे एक्टिवेशन, फिर करवाएंगे इनिशिएशन, उसके बाद जाहिर सी बात है वो इनिशिएट होगा, वो काम करने लगा तो एक रास्ते में चलेगा इलोंगेट होता जाएगा। जैसे जैसे वो रास्ते पे चलेगा इलोंगेट होगा उसको फर्दर और रास्ते मिलेंगे, ब्रांचिंग बनेगी। सिमिलरली मैं कहना यह चाह रहा हूं कि पहले एक्टिवेशन होगा, फिर इनिशिएशन होगा, फिर उसके अंदर क्या होगा उसका होगा एलोंगेशन होगा, फिर एलोंगेशन के बाद उसमें फिर अपन जोड़ देंगे ब्रांचेस, फिर उसकी होगी ब्रांचिंग। तो कुछ इस तरीके से जो है अपना पूरा ग्लाइकोजन बनता है। मैं क्या आपको स्टेप पूरी बताते जा रहा हूं। देन सबसे पहले बात यह आती है सर ग्लूकोज को अपन एक्टिवेट कैसे करते हैं, सर बड़ी ही इजी रिएक्शन है ये। देखो सबसे पहले ग्लूकोज को अपन चेंज करते हैं ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में, ठीक है। सबसे पहले अब ग्लूकोज को अपन ने चेंज करा ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में, फिर इस ग्लूकोज 6-फॉस्फेट को अपन चेंज करते हैं ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में, और फिर इस ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में अपन लगा देते हैं यूटीपी, तो ये बन जाता है यूडीपी ग्लूकोज।
इसको मैं और एक्सप्लेन करता हूँ, तो क्या होता है, ग्लूकोज है आपको पता है 6 कार्बन का होता है, अपन क्या करते हैं इसके 6th कार्बन पे अपन एक फोस्फेट जोड़ देते हैं, तो ये बन जाता है ग्लूकोज 6 फोस्फेट। किसकी प्रेजेंस में होता है ये अपना हेक्सोकाइनेज एक एंजाइम होता है उसकी प्रेजेंस में होता है, और इसमें एक ATP जो है वो भी इस्तेमाल हो जाती है। देन फिर इस ग्लूकोज 6 फोस्फेट में इसी 6th कार्बन पे भी फोस्फेट अपन क्या करते हैं, इसके पहले कार्बन पे अपन फोस्फेट वो लगा देते हैं, मतलब अभी फोस्फेट कहां जुड़ा है 6th कार्बन पे, अपन उसे उठाएंगे, चल मेरे भाई उठ जा, उठा के इसके 1st कार्बन पे लगा देंगे, तो वो बन जाएगा ग्लूकोज 1 फोस्फेट। ये किसकी प्रेजेंस में होता है, ये अपना होता है फोस्फोग्लाइकोम्यूटेज एंजाइम के प्रेजेंस में। फिर विद द हेल्प ऑफ UDP ग्लूकोज फोस्फोराइलेस एंजाइम अपन क्या करेंगे, ग्लूकोज 1 फोस्फेट में अपन UDP ग्रुप लगा देंगे, तो ये बन जाएगा UDP ग्लूकोज। तो अपन ने क्या करा, उस बंदे को कर दिया एक्टिव, अपन ने उसका बना लिया एक्टिव फॉर्म, अपन ने बना लिया UDP ग्लूकोज। देन फिर इस UDP ग्लूकोज को अपन करवाएंगे इनिशिएशन, अपन उसे बताएंगे भाई तू ये वाला काम कर, दूसरी स्टेप है इनिशिएशन। अब देखो बच्चों इनिशिएशन कैसे होता है, अब देखो अगर अपन को ग्लाइकोजन बनाना है तो अपन को ना यहाँ पे ग्लाइकोजन का एक प्राइमर चाहिए रहता है, ग्लाइकोजन का एक प्राइमर चाहिए होता है। अब आप बोलोगे सर ग्लाइकोजन का प्राइमर क्या है, देखो ग्लाइकोजन का मेरा प्राइमर से मतलब क्या है कि यहाँ पे ना एक बना बनाया पहले से ग्लाइकोजन का एक छोटा सा एक फॉर्म होना चाहिए, लीनियर पैटर्न में ग्लाइकोजन थोड़ा सा बॉडी में होना चाहिए। बट क्या रहता है ना, यहाँ पे कुछ ओवर स्मार्ट बच्चे रहते हैं, वो क्या बोलते हैं सर मान लो हम तो पूरे भिखारी टाइप के बच्चे हैं, हमारे पास ना ग्लाइकोजन है ही नहीं, अब आप सर बताओ आप कैसे बनाओगे ग्लाइकोजन। अब कुछ बच्चे बोले देखा कितना ताड़ा क्वेश्चन मैंने कमेंट में लिखा है, तो बेटा रुक जा थम जा मेरे भाई जरा, अब मैं तुम्हें बताऊं क्या रहता है ना, अगर मान लो अपने पास ग्लाइकोजन नहीं है बना बनाया, तो अपनी बॉडी के अंदर ना एक प्रोटीन होता है उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजेनिन, तो वो ग्लाइकोजेनिन प्रोटीन जो है वो भी एक प्राइमर की तरह एक्ट करने लगता है, और उसी के ऊपर फिर आगे की पूरी स्टेप जो है अपने ग्लाइकोजन सिंथेसिस की वो होने लगती है। तो मैं क्या तुम्हें करता हूं वो भी बना के दिखा देता हूं, तो मान लो एक अपने प्रोटीन उसका नाम है ग्लाइकोजेनिन, ठीक है ये अपना ग्लाइकोजेनिन है, उसके अंदर क्या रहता है करीबन अप्रोक्स ना इसके अंदर ग्लूकोज ऐसे लगे हुए होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो उसके अंदर क्या है 7 ग्लूकोज ऐसे लगे रहते हैं, तो या तो अपने पास पहले से एक छोटा सा फ्रेगमेंट हो ग्लाइकोजन का वो प्राइमरी की तरह एक्ट करेगा, या फिर अपने पास एक ग्लाइकोजेनिन वाला मॉलिक्यूल हो वो भी फिर प्राइमरी की तरह एक्ट करेगा। देन फिर इस पूरे प्राइमर में विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेस, ग्लाइकोजन सिंथेस एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो पूरी रिएक्शन रेगुलेट करता है, विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेस एंजाइम एक UDP ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो इस प्राइमर में ऐड हो जाएगा, ये पूरा प्राइमर है इसमें अपन क्या करेंगे एक UDP ग्लूकोज जो है वो अपन इसके अंदर एक ऐड कर देंगे, तो इस तरीके से ये पहला ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल जो है ना बनने लगा लीनियर फॉर्म में, ठीक है। तो किस तरीके से फिर जो है ना ग्लाइकोजन सिंथेस एक्ट करता है, वो क्या करता है UDP ग्लूकोज है उसमें से UDP को बोलेगा चल साइड में हो जा, UDP को साइड करेगा और जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो है वो इस प्राइमर पे लगा देगा, तो कुल मिला के यहाँ पे कितने ग्लूकोज लगेंगे, तो जो ग्लाइकोजन सिंथेस जो है ना वो कुल मिला के यहाँ पे 11 से 12 ग्लूकोज इस तरीके से लगा देगा। जब यहाँ पे पूरे 12 ग्लूकोज लग गए देन फिर क्या होगा, अपन को इसके अंदर लगानी है ब्रांचिंग, अपन को इसमें ब्रांचिंग करनी पड़ेगी। अब सबसे पहले तुम समझो तुमने ग्लाइकोजन का जो एक जो पूरा मॉलिक्यूल होता है वो कैसा दिखता है, मैं तुम्हें ना उसको ड्रॉ करके यहाँ पे दिखाता हूँ, लाल कलर से ड्रॉ करूंगा साइड में तुम्हें समझ में आएगा। तो एक ग्लाइकोजन जो है वो किससे बनता है ग्लूकोज से, तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल फर्दर वो चुपकेगा दूसरे से, दूसरा चुपकेगा तीसरे से, तीसरा चुपकेगा चौथे से, पांचवे से, ऐसे कर करके पूरा ग्लाइकोजन का लीनियर पैटर्न बनता है। यहाँ पे एक ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज से कैसे जुड़ता है विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, यहाँ पे रहता है α-1-4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज रहती है, मतलब एक ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज से एक बॉन्ड के जरिए बनता है, वो कौन सा बॉन्ड रहता है, वो बॉन्ड रहता है α-1-4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। फर्दर इसमें ना ब्रांच भी होते हैं, सो ब्रांच मान लो एक ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज पे कैसे वो ब्रांच होता है, वो होता है अपना α-1-6 बॉन्ड से, याद रखना लीनियर कैसे होता है α-1-4 से, ब्रांच अपना होता है α-1-6 से, देन इस तरीके से इसकी होती है ब्रांचिंग। तो ये पूरा एक जो है ना ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल है। तो अभी अपन ने क्या करा, लीनियर अपन ने बना लिया, लीनियर चेन अपन ने बना ली, अब अपन को इसकी बनानी है ब्रांच वाली चेन। सो ब्रांच वाली चेन कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे एक और एंजाइम प्रेजेंट होता है, पहले एलोंगेशन करवा लिया, फिर यहाँ पे एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको अपन बोलते हैं ग्लूकोजाइल ट्रांसफरेज, याद रखना यहाँ पे ये यू है वाई की जगह, वो रहता है ग्लूकोजाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। ये ग्लूकोजाइल ट्रांसफरेज एंजाइम करता क्या है,
जो अपने यहाँ पे साइड चेन बनती है ना, 11 से 12 जब ग्लूकोज लगा देते हैं, उन 11 से 12 जब ग्लूकोज लग जाते हैं, मान लो 12 ग्लूकोज लग गए, देन उस 12 ग्लूकोज में से इसके पीछे के 6 जो जितने भी पूरे ग्लूकोज रहते हैं ना, मान लो कि ये 6 ग्लूकोज है, पीछे के 6 ग्लूकोज वो निकाल लेगा और यहाँ पे इसका जो ब्रांचिंग वाला सेगमेंट है ना, इसके ब्रांचिंग वाले सेगमेंट में वो लगा देगा। मतलब अपनी एक पूरी लीनियर चेन है, मान लो ये मैं डेड डैश करके बना रहा हूँ ग्लाइकोजेनिन, ठीक है, ये ग्लाइकोजेनिन है और यहाँ पे डेड डैश करके इसके 7 ग्लूकोज अटैच है, तो पूरा एक एक ग्लाइकोजन का प्राइमर है। उस प्राइमर में अपन ने क्या करा, कुल मिला के 12 अपन ने यहाँ पे ग्लूकोज लगा लिए थे एलोंगेशन में। फिर अब उस 12 एलोंगेशन ग्लूकोज में से अपन ने क्या करे, पीछे के अपन ने उठा लिए 6 ग्लूकोज, पूरा 6 का सेगमेंट उठा लिया और पूरा 6 का सेगमेंट अपन ने इस तरीके से ब्रांच के फॉर्म में यहाँ पे लगा दिया। किसकी प्रेजेंस में? विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोजाइल ट्रांसफरेज एंजाइम के प्रेजेंस में। तो अपन ने क्या करा, एक एलोंगेशन बना लिया और एक इसकी ब्रांच बना ली। देन फर्दर क्या होता है ना, ये जो ग्लाइकोजन सिंथेसिस एंजाइम जो है ना वो एक्ट करता है, इसका और एलोंगेशन अपन करते जाते हैं और ये ग्लूकोजाइल ट्रांसफरेज एंजाइम भी एक्ट करता जाता है, तो उसमें अपन फर्दर और ब्रांचिंग बनाते जाते हैं। तो मैं यहाँ पूरा क्लियर करता हूँ और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्दर और एलोंगेशन होता जाएगा और ब्रांचिंग अपनी होती जाएगी और अंत में अपना यहाँ पे बन जाता है ग्लाइकोजन। तो कुछ इस तरीके से जो है अपना पूरा ग्लाइकोजन बन जाता है। मैं तुम्हारे लिए एक बार और ये रिपीट करता हूँ क्योंकि पहली बार सुनने में ना थोड़ा अटपटा लगता है, बट मैं तुम्हें बताऊँ ना सारी चीजें तुम्हें याद हो जाएंगी और तुम ध्यान से सुनो। सबसे पहले ग्लूकोज को एक्टिवेट करवाया यूडीपी ग्लूकोज में, फिर यूडीपी ग्लूकोज को अपन ने एक प्राइमर में जोड़ा और बनाई एक लीनियर चेन विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेसिस से। देन इस लीनियर चेन में अपन ने बनाई ब्रांचिंग, किसके प्रेजेंस में? अपना ग्लूकोजाइल ट्रांसफरेज। मैं फिर से बोलूं, यहाँ वाई की जगह ना यू है, तुम यू कर लेना उसको, ठीक है ना, ग्लूकोजाइल ट्रांसफरेज के प्रेजेंट में। तो अपन ने लीनियर चेन बन गई, ब्रांच बन गई, फिर उसके अंदर फर्दर और एलोंगेशन करते रहेंगे और ब्रांच जोड़ते रहेंगे और अपना बन जाएगा ग्लाइकोजन। तो ये बड़ा ही ईजी होता था, टेक्निकली है ही नहीं। अब बात आती है कि सर अपन ने ग्लाइकोजन तो बना लिया लेकिन मेरी बॉडी को अब ग्लूकोज की जरूरत है, तो इस ग्लाइकोजन से ग्लूकोज कैसे बनेगा? देन उसके लिए अपन ये पढ़ेंगे अपना ग्लाइकोजन का जो ग्लाइकोन्यूलाइसिस होता है ना वो अपन पढ़ेंगे। तो देखो ये बहुत ही ज्यादा इजी होता है, मैं तुम्हें बताऊं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक अपन लेते हैं ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल, ठीक है। अब जो ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल है ना, इसमें बहुत छोटा बनाया गया है, रियलिटी में ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा बड़ा होता है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, क्योंकि अभी अपन ने तोड़ा नहीं है ना इसे। देन यहाँ पे एक एंजाइम होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी रिएक्शन यही रेगुलेट करता है, जिसका नाम है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। अब एक ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम करता क्या है, अपने जो ग्लाइकोजन है ना उसमें यहाँ पे एंड में जितने भी ग्लूकोज लगे होते हैं ना, वहां से यूं इस तरीके से ग्लूकोज को हटाते जाता है, यहां से भी हटाएगा ग्लूकोज को, यहां से भी हटाएगा, ये जो ब्रांचिंग है ब्रांचिंग से भी ग्लूकोज को हटाते जाएगा, ठीक है। अब ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज कब तक अपने ग्लूकोज को हटाएगा, जब तक यहाँ पे ना बन जाए लिमिटेड डेक्सट्रिन। अब बहुत से बच्चों को ये क्वेश्चन होता है कि सर लिमिटेड डेक्सट्रिन क्या होता है। देखो लिमिटेड डेक्सट्रिन का मेरे कहने का मतलब ये, यहाँ पे बनाता हूँ कि अपना ये जो है ना ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज जब तक अपना ग्लूकोज को हटाएगा, जब तक अपने चारों सेगमेंट में चार चार ग्लूकोज ना बच जाए, मतलब ये एक जी है, अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 सेगमेंट यहाँ बच गए, 1 2 3 4 सेगमेंट इस तरफ बच गए और 1 2 3 4 सेगमेंट यहाँ पे बच जाए। जब इस तरीके से एक अपना बन जाता है ना फॉर्म, इसको बोलते हैं लिमिटेड डेक्सट्रिन। तो अपना ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज पूरे ग्लाइकोजन से, जो कि बहुत बड़ी चेन होता है, ग्लूकोज को हटाते जाएगा जब तक इसके साइड चेन में चार चार ग्लूकोज के सेगमेंट ना बच जाए, और इस स्टेट को हम बोलते हैं लिमिटेड डेक्सट्रिन। अपन ने कर लिया लिमिटेड डेक्सट्रिन बना लिया। अब यहाँ पे क्या होता है ना, अब प्रेजेंट है ब्रांच, अब अपन को करना है इसकी ब्रांच को हटाना है, मेली ब्रांच को तोड़ना है, डी ब्रांचिंग करना है। तो यहाँ पे एक एंजाइम रहता है जिसका नाम है डी ब्रांचिंग एंजाइम। वो क्या करता है बच्चों, ये जो डी ब्रांच है, ये डी ब्रांचिंग एंजाइम जो है ये वाला, उससे क्या करेगा, पूरा ब्रांच तोड़ देगा। अब तुम यहां से ध्यान से सुनना मेरी बात को, वो क्या करता है, देखो तुम बोलोगे सर ब्रांच तो यहाँ पे है, इसके अंदर है अल्फा 16 लिंकेज। तो याद रखना जो ग्लूकोज में जस्ट बगल वाले जो ग्लूकोज अटैच है, पहले ग्लूकोज के बगल वाला ग्लूकोज जो अटैच है, जो कि इसकी ब्रांचिंग बना रहा है अल्फा 16 ग्लाइकोजाइडिक बॉन्डेज, जब अपन इसको तोड़ते हैं ना
तो सबसे पहले डीब्रांचिंग एंजाइम ये वाले ग्लूकोज को नहीं तोड़ता जिसके अंदर ब्रांच लगी है, उसके ऊपर वाले जितने भी तीन ग्लूकोज है उसको तोड़ देता है, ठीक है। और उसको तोड़ के वो क्या करता है, उसको तोड़ के वो इसकी जो साइड चेन है ना, साइड चेन में लगा देता है। मैं तुम्हें ना यहाँ पे बना के बता देता हूँ, ये मान लो ये तीन ब्रांचिंग वाले थे और फिर ये अपने है अनब्रांचिंग वाले हैं, ये अपने 1 2 3 4 और ये एक अपना ग्लूकोज है ये वाला, जिसके अंदर एक अपना ग्लूकोज यहाँ भी अभी भी अटैच है। तो सबसे पहले स्टेप में याद रखना, डीब्रांचिंग जो है ना दो स्टेप में होता है। सबसे पहले अपन ने क्या करा, जो ब्रांच वाला था उसके पीछे के तीन हटाए और उसके लीनियर चेन में जोड़ दिए। फिर यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे एक ग्लूकोज फर्दर यहाँ पे अटैच है। फिर यहाँ पे एक और एंजाइम रहता है, डीब्रांचिंग एंजाइम का एक पार्ट है जिसका नाम है ग्लाइकोसाइडेज एक्टिविटी, मतलब डीब्रांचिंग एंजाइम की अल्फा 16 ग्लाइकोसाइडेज एक्टिविटी, ये देख रहे हो आप। तो क्या रहता है ना, यहाँ पे लिखा भी है नाम अल्फा 16 ग्लाइकोसाइडेज एक्टिविटी, वो ये वाला एंजाइम क्या करेगा, इसको भी ये वाले ग्लूकोज को भी फर्दर तोड़ देगा, जिसके कारण क्या होगा यहाँ पे एक पूरा लीनियर पैटर्न बन जाएगा, मतलब लीनियर चेन एक बन जाएगी। तो डीब्रांचिंग कैसे करते हैं, डीब्रांचिंग अपन करते हैं दो स्टेप में। सबसे पहले पीछे के तीन हटाएंगे, साइड में लगाएंगे, एक बच जाएगा जिसमें अल्फा 16 बॉन्ड था, उसको अपन अल्फा 16 ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम जो है उसकी एक्टिविटी से अपन इसको भी तोड़ देंगे। तो यहाँ पे पूरा फिर एक लीनियर पैटर्न जो है बन जाएगा, ठीक है। फिर ये जो लीनियर पैटर्न है ये बन गया, फिर अपन विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम इस लीनियर चेन में से भी अपन क्या करेंगे, एक एक ग्लूकोज हटाते जाएंगे। और यहाँ पे जो ग्लूकोज जो हट रहा है ना, वो कौन सा ग्लूकोज है, वो अपना है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट वाला ग्लूकोज, ठीक है। मैं ना तुम्हें और क्लियर यहां पर दिखाता हूं। ये देखो अपन ने क्या करा, यहां तक अपन ने लीनियर चेन बना ली, फिर इस लीनियर चेन में अपन फॉस्फोराइलेज की मदद से ग्लूकोज हटाते जाएंगे। फिर ये जो एक ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है अपन क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ फॉस्फो ग्लूकोम्यूटेज एंजाइम अपन इसको बना लेते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फिर अपन चेंज कर देते हैं ग्लूकोज में। अब याद रखना जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो डायरेक्टली अपना ग्लाइकोलाइसिस में फिर चला जाता है। तो बड़े ही इजीली तरीके से यार मैंने तुम्हें दोनों चीजें समझा दी, ज्यादा टेक्निकल चीजें नहीं है, ध्यान से अगर तुमने सुना होगा तो तुम्हें सब कुछ याद हो गया होगा। और मैं ज्यादा से ज्यादा मेहनत तुम्हारे लिए यही करता हूँ कि यार तुम्हें ज्यादा से समझ में आ पाए, तो यार इतनी मैं तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ। तुम मेरे लिए एक छोटी सी चीज कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों में ना इसको शेयर करो, क्योंकि ना जितनी ज्यादा तुम लोगों की हेल्प करोगे तुम्हारी हेल्प भी इतनी हो पाएगी। और अगर तुम देखो ज्यादा लोगों में शेयर नहीं कर सकते या तुम कर नहीं पा रहे हो, तो कम से कम इसमें ही ना तुम लाइक कर दो, कमेंट कर दो, इसको मैं मेरे लिए ना एक रिवॉर्ड की तरह समझ लूंगा, ठीक है यार बच्चों ने कम से कम इतना तो करा मेरे लिए, मैं तुम्हारे लिए इतना कर रहा हूँ तो उन लोगों ने कुछ तो करा मेरे लिए, मैं यही समझ लूंगा। तो चलो अपन आगे बात करते हैं। तो मैंने आपको ना दोनों चीजें समझा दी, ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोनियोलाइसिस। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो है किस तरीके से रेगुलेट होती है चीजें। तो ना मैंने नीचे इसका रेगुलेशन लिखा है, अब देखो इसका रेगुलेशन जो है ना बहुत ज्यादा बड़ा है, अगर एक ही वीडियो में बताऊंगा तो ये वीडियो 2-3 घंटे की बन जाएगी। तो इसका रेगुलेशन के अंदर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, पर तुम बेसिक तक थोड़ा समझ लो कि दो एंजाइम रहते हैं, एक ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम, ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम ग्लाइकोजेनेसिस को जो है रेगुलेट करता है। जाहिर सी बात है अगर ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम काम नहीं करेगा तो ग्लाइकोजन नहीं बनेगा, तो ये एंजाइम रेगुलेट करता है। और फिर अगर हम बात करें ग्लाइकोनियोलाइसिस, जो ग्लाइकोजन को तोड़ते हैं, उसके अंदर ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेस एंजाइम जो है ये इस रिएक्शन को रेगुलेट करता है। जाहिर सी बात है अगर फॉस्फोराइलेस एंजाइम ज्यादा काम करेगा तो अपना ग्लाइकोजन ज्यादा टूटेगा। तो ये मैंने आपको ना बेसिक सा बता दिया, इसको ना मैं तुम्हें और फर्दर एक्सप्लेन करता हूं ताकि तुम्हें ना और चीजें ज्यादा समझ में आए। तो देखो इसके लिए ना मेरे पास सत्यनारायण का फ्लो चार्ट है, ये वाला मैं उससे एक्सप्लेन करता हूं, बाकी डिटेल में तो ना मैं तुम्हें बाद में बता ही दूंगा। तो देखो क्या होता है, ये ग्लाइकोजन है, ठीक है ना, अपन क्या करते हैं ग्लाइकोजन को तोड़ के अपन बना लेते हैं ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। अब मेरे लिए क्या होता है ना, ग्लूकोज ग्लाइकोजन को ग्लूकोज 1 फॉस्फेट कौन बनाता है, अपना बनाता है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेस एंजाइम। अब ये एंजाइम कब ज्यादा काम करता है, तो याद रखना मसल में जब कैल्शियम और एएमपी प्रेजेंट होते हैं तब वो इस एंजाइम को जो है एक्टिवेट करवा देते हैं। क्यों एक्टिवेट करवा देते हैं, अब तुम समझो, तुम क्या शायद टेक्निकली फिजियोलॉजी समझो, मसल है, मसल को काम करना है, कैसे वो काम करेगी, मसल कॉन्ट्रेक्शन के लिए क्या चाहिए, कैल्शियम,
कैल्शियम चाहिए और साथ में चाहिए एनर्जी, एनर्जी के लिए क्या चाहिए ग्लूकोज। तो जब बॉडी में कैल्शियम होगा तब क्या होगा, अपने ग्लाइकोजन को अपन ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि एनर्जी बन पाए। तो कैल्शियम एएमपी के प्रेजेंट में यह एंजाइम जो एक्टिवेट होता है, वही एटीपी ग्लूकोज और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इन तीनों के प्रेजेंस में ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज जो है इनहिबिट हो जाता है। अब जाहिर सी बात है ना, मान लो अपनी बॉडी के अंदर क्या है ना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्रेजेंट है, अब जाहिर सी बात है ना अपनी बॉडी के अंदर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्रेजेंट है, जब पहले से अपनी बॉडी में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्रेजेंट है तो अपन ग्लाइकोजन को अपन क्यों तोड़ेंगे। ग्लाइकोजन किस में टूटता है अल्टीमेटली, वो भी तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में टूटता है ना ताकि ग्लाइकोलाइसिस में जा पाए। जब पहले से इस बॉडी में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्रेजेंट है या फिर ग्लूकोज प्रेजेंट है या फिर एनर्जी है, जब पहले से बॉडी के अंदर एनर्जी है तो अपन ग्लाइकोजन को क्यों तोड़ेंगे, ग्लाइकोजन को अपन एनर्जी के लिए तोड़ते ना। तो ये तीनों जो है अपने ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को इनहिबिट करवा देते हैं। और फर्दर अगर हम बात करें ग्लूकोज से, जब हम ग्लाइकोजन बनाते हैं तो अपन इसको बनाते हैं ग्लाइकोजन सिंथेस एंजाइम की प्रेजेंस में। और क्या होता है ना, जब अपनी बॉडी के अंदर ग्लूकोज ज्यादा है, ग्लूकोज ज्यादा का मतलब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ज्यादा है, ज्यादा ग्लूकोज है, तो अपन उसको क्या बोलेंगे कि भाई मेरे तू तो ऐसा काम कर मेरे झोले में आ जा, मतलब तू तो ग्लाइकोजन बन जा। तो यहाँ पर जब अपना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बॉडी में ज्यादा प्रेजेंट है तब अपन उसको बना लेते हैं ग्लाइकोजन में। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अपना एक्टिवेट करवाता है ग्लाइकोजन सिंथेसिस एंजाइम। तो ठीक है, मैंने तुम्हें ना ये रेगुलेशन भी यहाँ पे समझा दिया, बट इसके ऊपर ना डिटेल वीडियो भी मैं तुम्हारे लिए बना दूंगा। अब अपन बात करते हैं सर यूनिवर्सिटी में इसको कैसे लिख के आना है। तो मेरे यूनिवर्सिटी में ना जो ग्लाइकोजन जो बनता है ना वही मेरे लिए पूछा जाता है, मतलब कि ग्लाइकोजेनेसिस ही मेरे लिए यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। तो पहले पूरी डेफिनेशन लिख देना कि ग्लाइकोजेनेसिस होता क्या है, फिर पूरा फ्लोचार्ट बना देना, जो मैंने फ्लोचार्ट बनाया है ना वही फ्लोचार्ट बना देना, फिर स्टेप लिख देना, फिर एंड में इसके लिख देना रेगुलेशन। मैं ना तुम्हें एक बार स्टेप भी दिखा देता हूँ, और ये सारे नोट्स जो है ना, एक्चुअली मैं मेरी एक नई मॉड्यूल है जिसका नाम है बायोकेमिस्ट्री इन 7 डेज। इस मॉड्यूल की खास बात क्या है, मात्र आप 7 दिन में पूरी बायोकेमिस्ट्री खत्म कर दूंगे, समझ रहे हो तुम, 7 दिन में पूरी बायोकेमिस्ट्री खत्म कर दूंगे। इसके अंदर सारे आईएमपी टॉपिक के नोट्स हैं, फ्लोचार्ट दिए हुए मेटाबॉलिज्म के। तो इस मॉड्यूल को ना तुम मजदूरी मत करो, फालतू में लिखने में टाइम वेस्ट मत करो, मैंने तुम्हारे लिए पूरी मेहनत कर ली है, मैंने मॉड्यूल भी लिखी है, प्रिंट भी करवा लिया, वेबसाइट में भी अपलोड करी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाओ मॉड्यूल को बाय करो ताकि तुम अच्छे से पढ़ पाओ। तो कैसे अपन लिखते हैं याद रखना, पहले तुम्हें लिखना पड़ेगा सिंथेसिस ऑफ यूडीपी ग्लूकोज, पहले तुम इसकी हेडिंग डालना और उसके बारे में थोड़ा लिखना, फिर तुम लिखना कि हमें प्राइमर चाहिए होता है, प्राइमर की रिक्वायरमेंट लिखना, फिर तुम लिखना ग्लाइकोजन को कैसे हम सिंथेसिस करवाते हैं, फिर तुम इसके लिखना ब्रांचिंग किस तरीके से हम ब्रांचिंग फॉर्म करवाते हैं। तो इन हेडिंग में आपको जो है ना यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिख के आना है। सो वीडियो से अगर हेल्प हुई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यार मैं ना ये 30-30 मिनट की वीडियो बन रही है, 20 से 30 मिनट की वीडियो, मैं भी बहुत ज्यादा थक जाता हूँ बोलते बोलते, बट ठीक है यार मुझे तुम्हारी हेल्प करना बहुत पसंद है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।